हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपना पहला यूट्यूब वीडियो डालने जा रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ह्यूमरस कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव सब कुछ मिले। मैं मोनोटोनस नहीं बनना चाहता। मैं ट्राई करूँगा आपको ह्यूमरस, इन्फॉर्मेटिव, स्पेक्टेकुलर, पेक्यूलियर, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, वल्ला वल्ला, हर टाइप के कंटेंट मिले। तो यार, अब आप सोचेंगे ना, ये बंदा जो कौन है ज्ञान दे रहा इतना। तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरा नाम है हेमंत उल्सान, कोलकाता के एक छोटे से सबर्बन एरिया हिंदमोटे में रहता हूँ, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता हूँ। और लॉकडाउन में बहुत ही आशाओं के साथ और बहुत ही नॉलेज के साथ आपके साथ आया हूँ कुछ अपना डिफरेंट पर्स्पेक्टिव शेयर करने। हर चीज़ का अलग अलग पर्स्पेक्टिव होता है। हम देखते हैं कितने सारे यूट्यूब लीडर्स है जो कुछ चीज़ उठा के उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, वो हम लोग कितना सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ को। मैं खुद वही करना चाहता हूँ। तो यार, मैं आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने नहीं बोलूँगा। पहला वीडियो है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे 3-4 वीडियो के बाद, तो आप ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। मुझे आशा है कि आपको अच्छी भी लगेगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो यार, अब आप बोलेंगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्रैकिंग द सेल्स साइकोलॉजी विद द हेल्प ऑफ कृष्णा भगवान। हम बोलेंगे यार ये क्या है, सेल्स साइकोलॉजी कैसे क्रैक करें कृष्णा भगवान से? कृष्णा भगवान उस समय सेल्स, अभी कैसे रेलेवेंट है? तो वही मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यार, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो जब कृष्ण जी बहुत छोटे थे, उन्हें माखन चाहिए होता था, वो क्या करते थे, जो भी वहाँ से माखन लेके जा रहा हो अपनी हांडी में, वो उसे ऐसे मार के फोड़ देते थे और माखन उन्हें मिलता था। वो चोरी करते थे माखन। पर आप देखेंगे कि कुछ लोग जाते थे यशोदा मैया के पास उनका कंप्लेन करने कि आपका नंदलाल इतना ज़्यादा शैतान हो चुका है, हमारे मेहनत के माखन को फोड़ देता है, चुराता है। और कुछ लोग खुशी खुशी उन्हें दे देते थे। यही सेल्स है। आपको ट्राई सब पे करना, आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ खुशी से बिहेव करेगा, कौन आपकी कंप्लेन करेगा। आप नहीं जानते कि अगर मैं इसका मटकी फोड़ूं तो ये मेरे साथ कैसा बिहेवियर करेगा। या तो ये नंदलाल के पास जाएगा, या सुधा मैया के पास जाएगा, या फिर वो मुझे खुशी खुशी अपना माखन दे देगा, मेरे साथ में दोस्त बन के रहेगा। उसे परेशान होने में भी मज़ा आता है, आप देखेंगे तो। उन्हें परेशानी में भी मज़ा आता था। तो मैं यही कह रहा हूँ, सेल्स यही है। सबको पूछो ना यार, क्या जा रहा है? 2 सेगमेंट हो जाएगा। एक बोलेंगे कि यार नहीं करना, मुझे परेशान मत कर, और एक कहेंगे हाँ यार दे, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो कृष्ण जी का एक छोटा सा सीख यार उस समय से आज तक रेलेवेंट है ये। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपका भी कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो ज़रूर बताएं। पहला यूट्यूब वीडियो है इसलिए शॉर्ट रखता हूँ। होप करता हूँ आप इसमें अच्छे कमेंट्स आएंगे, इसमें लाइक आए, अगर आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव रिएक्शंस आए, तब मैं कभी सोचूंगा यार हाँ यार लंबा वीडियो बना लूँ। क्योंकि पहला यूट्यूब वीडियो लंबा जल्दी से कोई देखता नहीं, मुझे भी पता, आपको भी। ये भी एक साइकोलॉजी है, लिख के रख लो, बाद में आपके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। आई होप यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कोरोना से खुद को बचा के रखें। थैंक यू सो मच।